started. In this one, we are reading chapter number 5, that is the audit evidence. So today we are going to read chapter number 5, that is audit evidence. What all things we need to learn in this chapter that we are going or that we are currently discussing hereby. So this is probably our day 7 for our auditing and assurance. Before we have read the audit report, but we will continue it someday, some next day. Today we are going to discuss the audit evidence. So after studying this chapter, we all students will be able to, is chapter ko padhne ke baad kya hoga? It will be refreshing up our knowledge about procedure, kaun si procedures hai relating to audit evidence se. Glance through the relevant essays, padhenge hum essay 500, essay 505, essay 510, essay 530 and essay 550 pictorically tarike se. उसके बाद हमें क्या होगा दैट विल गेन एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होगा इन अबाउ एसेज का. वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू द यूज ऑफ एनालिटिकल एग्जांपल्स एंड केस स्टडी. अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम कंसेप्ट जो भी है थ्रू द यूज ऑफ एनालिटिकल एग्जांपल्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू गेन कर पाएंगे नॉलेज अबाउट द वरीड प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर एन ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर. हमें नॉलेज हो पाएगा अबाउट वरीड प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में फॉर एन ऑडिटर जब हम परफॉर्म करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर्स वगैरह. उसके बाद आता है द नेक्स्ट कम दैट इज द चैप्टर ओवरव्यू. चैप्टर ओवरव्यू में क्या आएगा ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस बात करता है. ऐसे 501 ऐसे 501 बात करता है अबाउट द ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम. तो ऐसे 500 के इस बारे में बात करता है. ऐसे 500 बात करता है. ऐसे 500 जो है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट. वो बात करता है अबाउट द ऑडिट एविडेंस व्हाट आर द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम. स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या होगी सेलेक्टेड आइटम के लिए. हम क्या बोल रहे हैं दैट व्हाट ऑल विल बी दी स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या होगी सिलेक्टेड आइटम के लिए. देन ऐसे 505 बात करता है अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ऐसे 505 जो है बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में. ऐसे 510 बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के बारे में, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में. ऐसे 530 बात करता है ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में. ऐसे 550 जो है वो रिलेटेड पार्टीज के बारे में बात करेगा. तो कुछ ये हमारे 500 वाली जो सीरीज है वो सारा हमें पढ़ना होगा. उसके बाद हम बोल रहे हैं सीए कार्तिक जो है दैट द सेम इज इंट्रिंसिकली एफिशिएंट है एंड हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वेस्टिंग टाइम ऑन फ्रिवोलस थिंग्स. उसे नहीं पसंद है फ्रिवोलस थिंग्स पर अपना टाइम वेस्ट करना. ही वॉन्ट टू डू एवरीथिंग परफेक्ट. उसे सब कुछ बस परफेक्ट चाहिए, स्पीक एंड स्पैर एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चाहिए उसे. अडेप्टिंग द सेम अप्रोच इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क एज एन ऑडिटर ही इज अ वेरी पर्टिकुलर इन कम्प्लीटिंग द वर्क क्विकली एंड टाइमबाउंड मैनर. ड्यूरिंग वन सच ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट ही चूज टू सेलेक्ट सम स्पेसिफिक आइटम फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट. लाइक ही डिसाइडेड टू वेरीफाई द सेल्स ट्रांजेक्शन अबाउट द थ्रेशहोल्ड अमाउंट ऑफ 25 लाख. उसे डिसाइड किया कि उसे वेरीफाई करना है सेल्स ट्रांजेक्शन अबाउट द थ्रेशहोल्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 25 लाख. फ्रेश एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अबाउट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द सेम अमाउंट वाज सिलेक्टेड बाय हिम फॉर डिटेल वेरिफिकेशन. उसके बाद ही ऑल्सो ग्रो सस्पिशियस अमाउंट अबाउट अ सर्टेन सेल्स ट्रांजेक्शन. वो क्या कर रहा है ही ऑल्सो ग्रो सस्पिशियस अबाउट अ सर्टेन सेल्स ट्रांजेक्शन विच इज एग्रीगेटिंग टू रुपीज 50 लाख. Such a transaction were at the fag end of the year and goods move out from the company's premises were purportedly sent through known motorized conveyance without accompanying e-way bill to a single customer over a span of few days. He was agreed to send external confirmation request to this customer only. Besides, it was decided to go through all related party transactions in a detailed manner without expectation to dig out any material misstatement. उसके बाद लिटिगेशन क्लेम्स इन्वॉल्विंग द कंपनीज वर. तो हम क्या बोल रहे हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है उसमें क्या बातें की थी कि जो सीए कार्तिक है वो इंट्रिंसिकली एफिशिएंट है. उसे पसंद नहीं है फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट करना. वो बहुत ही
चीजों को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्पिकर स्पैन मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में कर लेता है, अडेप्टिंग तो वो सेम अप्रोच को यूज करता है जब वो अपना प्रोफेशनल वर्क करता है. मतलब कुल मिला के उसकी तारीफ की जा रही है यहाँ पे. वर्क एज एन ऑडिटर, ही इज अ वेरी पर्टिकुलर इन कम्प्लीटिंग द वर्क क्विकली इन अ टाइम बाउंड मैनर. वो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है, कंप्लीट कर लेता है अपना काम इन अ वेरी क्विकली और टाइम बाउंड मैनर में. ड्यूरिंग वन सच ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट, वो ये चूज कर रहा है कि वो सेलेक्ट करे कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करे ताकि वो परफॉर्म कर पाए टेस्ट ऑफ डिटेल अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट. लाइक वो डिसाइड करता है कि वो वेरीफाई कर सकता है सेल्स ट्रांजेक्शन को अबाउट दी थ्रेशोल्ड, कि वो वेरीफाई करे सेल्स ट्रांजेक्शन को जिसकी थ्रेशोल्ड अमाउंट 25 लाख से ज्यादा हो रहा है. फ्रेश क्या कोई फ्रेश एडिशन है पीपी में अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ द सेम अमाउंट वर सेलेक्टेड बाय हिम फॉर डिटेल वेरिफिकेशन के लिए वो ऐसा देख रहा है. ही ऑल्सो ग्रो सस्पिशियस अबाउट सर्टेन सेल्स ट्रांजेक्शन एग्रीगेटिंग, उसे कुछ था. ही ऑल्सो ग्रो सस्पिशियस अबाउट सर्टेन सेल्स ट्रांजेक्शन जिसका एग्रीगेट था 50 लाख से ज्यादा. सच ट्रांजेक्शन वर एट पैग एंड ऑफ द ईयर एंड गुड्स मूव आउट फ्रॉम द कंपनीज प्रीमाइसेस वर परपेट टेडली सेंड थ्रू नॉन मोटराइज कन्वेयंस विदाउट अकंपनिंग ईवे बिल टू अ सिंगल कस्टमर ओवर अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज. इट वाज एग्री टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो क्या हुआ, इट वाज एग्री टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू दिस कस्टमर ओनली. बिसाइड इट वाज डिसाइडेड टू गो थ्रू ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन अ डिटेल मैनर विदाउट एक्सपेक्टेशन टू डिग आउट एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट. फिर क्या हम बोल रहे हैं कि जो लिटिगेशन क्लेम्स था इन्वॉल्विंग द कंपनी वर कंसिडर्ड एज अ मिस स्टेटमेंट प्रोन एरिया एंड केम फॉर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ हिज रेडर. सच अ टेस्टिंग अप्रोच ही थॉट वुड बी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस. कैन अबाउ अप्रोच फॉलो किया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा बी कंस्ट्रीव्ड एज ऑडिट सैम्पलिंग, व्हाट डज इट सिग्निफाई एंड टू व्हाट काइंड ऑफ रिस्क सच एन अप्रोच इज सब्जेक्ट टू. सच अ टेस्टिंग अप्रोच टू ऑब्टेन करें हम ऑडिट एविडेंस को जो रिलेट करते हो सिलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस. वेल सिलेक्टिव एग्जामिनेशन जो होते हैं स्पेसिफिक आइटम्स के एज अ टेस्टिंग, उसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स टू कैसे हम ऑब्टेन करें ऑडिट एविडेंस. दैट कुड बी एफिशियंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस. इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट सैम्पलिंग. उसके बाद जो रिजल्ट है ऑडिट प्रोसीजर्स का ऑफ द आइटम जो भी सिलेक्ट हुए इन दिस वे दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू एंटायर पॉपुलेशन. सिलेक्टिव एग्जामिनेशन हो सकता है स्पेसिफिक आइटम्स का. इट डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस कंसर्निंग द रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन. सच एन अप्रोच इज सब्जेक्ट टू नोन सैम्पलिंग रिस्क. इट इज अ रिस्क ऑफ एन ऑडिटर रीचिंग एन एनर्मस कंक्लूजन ड्यू टू इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ मिस स्टेटमेंट और डेविएशन. वेयर एज ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रेलेवेंट है अंडर द ऑडिट, सच दैट जितने भी आइटम्स है पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस है उसका सिलेक्शन का. वेयर एज ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. हम क्या बोलते हैं, वॉट इज ऑडिट सैम्पलिंग, बेसिकली ऑडिट सैम्पलिंग मतलब होता है इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहा है ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का टू लेस देन 100% ऑफ आइटम, लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रेलिवेंट है अंडर ऑडिट, सच दैट जितने भी आइटम्स है द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस सिलेक्शन का. बीइंग सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग रिस्क टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल में लीड टू एरोनियस कंक्लूजन. इट कैन बी ड्यू टू द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैम्पल में भी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर. सच अ रिस्क इज ऑलवेज देयर इन ऑडिट सैम्पलिंग. तो ये रिस्क जो है मतलब दैट विल ऑलवेज बी इन द ऑडिट सैम्पलिंग में तो होंगे. तो हम क्या बोलते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बेसिकली विद द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. क्या होगा, एप्लीकेशन होगा ऑडिट प्रोसीजर का टू लेस देन 100%, एप्लीकेशन होगा ऑडिट प्रोसीजर का टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स. किस पर, टू लेस देन 100% ऑफ आइटम पर, मतलब प्रॉपर 100% पर ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करना दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो वेर एज ऑडिट सैम्पलिंग मतलब वेर द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एप्लीकेशन होगा ऑडिट प्रोसीजर का टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रेलिवेंट है अंडर द ऑडिट, सच दैट जितने भी आइटम्स है इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का. बीइंग सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग रिस्क टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल में ऑल्सो लीड टू इरोनियस कंक्लूजन. इट कैन बी ड्यू टू द रिस्क दैट जो भी ऑडिटर का कंक्लूजन होगा बेस्ड ऑन अ सैम्पल में भी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द कंक्लूजन अगर एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट टू सेम ऑडिट प्रोसीजर. सच अ रिस्क इज ऑलवेज देयर इन ऑडिट सैम्पलिंग में, ये रिस्क होती ही है. उसके बाद आता है हमारा दैट कम्स द नेक्स्ट. तो हमें ये तो पता चल गया कि व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑल सच थिंग, व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग,
इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगेन. दी ऑडिटर की तारीफ हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर अवर एग्जाम्स. ऐसे 500 किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 डील करता है विद ऑडिट एविडेंस के साथ. ऐसे 500 किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 बात करता है अबाउट दी ऑडिट एविडेंस. ऐसे 500 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिजाइन करने में, परफॉर्म करने में ऑडिट प्रोसीजर को, ताकि वो ऑप्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ताकि वो क्या डिजाइन कर पाए, ताकि वो डिजाइन कर पाए सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ताकि वो डिजाइन कर पाए सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस बोलता है. ऐसे 500 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिजाइन करे परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर को. ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां है ताकि वो ऑप्टेन कर पाए. हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ऐसे 500 किसके साथ डील करता है? ऐसे 500 डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजाइन करे, कैसे वो डिजाइन करे, कैसे वो परफॉर्म करे ऑडिट प्रोसीजर को, ताकि वो ऑप्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ड्रॉ कर पाए, टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन. ताकि वो रीजनेबल कंक्लूजन दे पाए ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसके पर ऑडिट ओपिनियन बेस है. इट ऑल्सो एक्सप्लेन वॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो ये भी एक्सप्लेन करता है दैट वॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस, क्या कंस्टिट्यूट करेगा ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 500 किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे 500 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजाइन करे परफॉर्म करे, कैसे वो डिजाइन करेगा परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर को, ताकि वो ऑप्टेन करेगा सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन दे पाए ऑन विच टू बेस द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड. इट ऑल्सो एक्सप्लेन, ये भी एक्सप्लेन करता है दैट वॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये चीजें भी एक्सप्लेन करेगा कि किसके बेसिस पे, मतलब इट ऑल्सो एक्सप्लेन वॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसकी हेल्प से जो है ऑडिट एविडेंस कंस्टिट्यूट होगा इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन विच इज यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड. ऑडिट एविडेंस हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा. ऑडिट एविडेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, जिस पर ऑडिटर की ओपिनियन बेस होती है. ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन. ऑडिट एविडेंस में क्या आता है, इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन. इसमें दोनों इंफॉर्मेशन आती है जो कि है इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है. ऑडिट एविडेंस क्या है, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज बेसिकली दी ऑडिट ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस किसे कहा जाता है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा. एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि यूज की जाती है ऑडिटर, इसे यूज करता है, यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, जिस पर ऑडिटर की ओपिनियन बेस होती है. ऑडिट एविडेंस में क्या आता है, इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स दोनों इंफॉर्मेशन आती है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हो अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन. उसके बाद ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस किस बारे में बात करता है? ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस बात करेगा अबाउट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस ऐसे. स्कोप क्या होगा ऐसे का, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ऑडिटर के, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें यूज करना होगा एज ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा कि हम ऑप्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को, इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर कैसे रिलायबिलिटी होगी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे 500 जो है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है. ऐसे 500 किस बारे में बात करता है, ऐसे 500 जो है वो बात करता है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द ऑडिट एविडेंस. ऐसे 500 जो है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है
व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे, एसे का स्कोप क्या होगा, जो एसे है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो एसे है वो डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिजाइन कर पाए, परफॉर्म कर पाए ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ, ताकि वो रीजनेबल कंक्लूजन, ताकि वो ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द बेसिस टू विच द ऑडिटर्स ओपिनियन जिसपे होती है. This essay is applicable to all the audit evidence obtained during the course of audit. ये जो standards है on auditing की applicable है सारे के सारे audit evidence पे. ये जो essay है वो applicable है. This essay is applicable to all the audit evidence. ये जो essay है वो applicable है सारे के सारे audit evidence पे जो कि obtained किया जाता है during the course of audit. This essay is applicable to all the audit evidence. ये जो essay है वो applicable है सारे के सारे audit evidence पे जो भी हमने obtained किया during the course of audit. जो भी हमने ऑब्टेन किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो दिस एसे इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिट एविडेंस. ये जो एसे है ये एप्लीकेबल है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस पे जो भी ऑब्टेन हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज बेसिकली एसे 500 ऑडिट एविडेंस. एसे 500 ऑडिट एविडेंस किस बारे में बात करता है, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे, इस एसे का क्या स्कोप होता है. ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज को डिजाइन करने में परफॉर्म करने में. ये जो ऐसे है वो डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ये ऐसे हमें ये बताएगा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीजों को डिजाइन करने में परफॉर्म करने में ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, ताकि वो ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन. This essay is applicable to all the audit evidence which is obtained during the course of audit. ये जो essay है वो applicable है सारे के सारे audit evidence पर. ये जो essay है वो applicable है सारे के सारे audit evidence पर जो भी obtained हुआ है during the course of audit. Objective of the auditor. हम क्या बोलते हैं that then comes what will be the objective of the auditor. Objective क्या होगा auditor का, हमें design करना होगा perform करना होगा audit procedure in such a way ताकि हम enable कर पाए the auditor to obtain the sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. हमें design करना होगा perform करना होगा हमें design करना होगा perform करना होगा audit procedures को. हम क्या बोलते हैं what will be the objective of the auditor. auditor का क्या objective होता है, what will be the objective of the auditor. What will be the objective of the auditor? Auditor का क्या objective होता है, हमें design करना है perform करना होगा audit procedures का. हमें design करना है perform करना है audit procedure का in such a way to enable the auditor, ताकि हम enable कराए auditor को कि वो obtain कर ले sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion. कि हम क्या कर पाए, हम reasonable conclusion को draw कर पाए, हम क्या कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाए ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसके बेसिस पे वो है ऑन विच टू बेस ऑडिटर्स ओपिनियन. तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे, एसे का क्या स्कोप होगा. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि कैसे आप डिजाइन करोगे कैसे आप परफॉर्म करोगे. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कैसे आप डिजाइन कर पाओगे चीजों को, कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे ऑडिट प्रोसीजर को ताकि आप सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लो, ताकि आप कैसे आप डिजाइन कर पाओगे चीजों को, कैसे आप डिजाइन कर पाओगे चीजों को, कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे ऑडिट प्रोसीजर को ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ, ताकि आप रीजनेबल कंक्लूजन ले सको ऑन विच टू बेस ऑडिटर्स ओपिनियन. ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस पर जो की ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ये जो ऐसे हम क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे, दिस ऐसे इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. दिस ऐसे इज एप्लीकेबल, हम क्या बोलते हैं, दिस ऐसे इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल होता है किस पर एप्लीकेबल होता है, टू ऑल द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. दिस ऐसे इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल हो जाता है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन जो भी ऑब्टेन किए हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. उसके बाद व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. हमें डिजाइन करना है परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर को, हमें डिजाइन करना होगा परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर को इन सच अ वे ताकि हम एनेबल कर पाए ऑडिटर को कि हम ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस ऑडिटर्स ओपिनियन होगी. उसके बाद व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस,
कौन सी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे एज ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शैल कंसिडर द रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा द रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑडिटर कैसे कंसिडर करेगा, हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर कैसे कंसिडर करेगा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि यूज की जाती है एज ऑडिट एविडेंस व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज। जब भी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए, जब भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज किया जाए, तो ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट करेगा कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो हम क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है दैट द सेम इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा, हम क्या बोलते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ दी जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस और रिलायबिलिटी जो भी इंफॉर्मेशन यूज की जा रही है एज ऑडिट एविडेंस। जब इंफॉर्मेशन व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज, जब कभी भी इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज की जाएगी, तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन को। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, इन चीजों को कंसिडर करेगा। व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जब कभी भी हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन जो भी प्रोड्यूस की जा रही है एंटिटी के द्वारा, तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी को। ऑडिटर जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, ऑडिटर जो है वो व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को। ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को और एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन को। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे यूज किया जाता है एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस क्या होगा, रिलायबिलिटी क्या होगा ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। जो भी इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। हम क्या बोलते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज की जाएगी एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा रेलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा कि रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी क्या है जो भी इन्फॉर्मेशन यूज की जाती है एज ऑडिट एविडेंस। जब भी इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज की जाएगी, तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कंपिटेंसी को, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट को, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन की जाएगी, कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, व्हाट आर दी ऑडिट प्रोसीजर, कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर होगी ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू दी बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन बाय परफॉर्म करेंगे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कंप्राइजिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो हम क्या बोलते हैं, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर की जाएगी ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को। ऑडिट प्रोसीजर, कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर होगी ताकि हम ऑब्टेन कर पाए, कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर होगी ताकि हम कौन सी ऐसी ऑडिट प्रोसीजर का यूज करें ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को। जो भी ऑडिट एविडेंस है टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, जो भी ऑडिट एविडेंस है टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस्ड ऑडिटर ओपिनियन इज ऑब्टेन होती है बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्राइजिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इफ देर इज व्हाट, इफ देर इज द इनकंसिस्टेंसी, अगर इनकंसिस्टेंसी हो या फिर डाउट हो ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर हमें इनकंसिस्टेंसी हो, डाउट्स हो, अगर हमें इनकंसिस्टेंसी हो, अगर हमें इनकंसिस्टेंसी हो, डाउट्स हो ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, किस पर, ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पर। अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी हो, डाउट्स हो ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस,
जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करेगा डेट व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी। जो ऑडिटर है वो ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा जो ऑडिटर है वो ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन और एडिशन होती है टू ऑडिट प्रोसीजर जो कि नेसेसरी है ताकि आप रिजोल्व कर पाओगे मैटर और कंसिडर कर पाओगे दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी ऑन दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। अगर कोई है इफ एनी ऑन दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट तो व्हाट विल बी द इनकंसिस्टेंसी इन एंड डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या बोलता है, जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन होगा और एडिशन होगा ऑडिट प्रोसीजर में नेसेसरी है ताकि आप रिजोल्व कर पाओ कौन से से मैटर्स हैं और कंसिडर कर पाओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। तो बेसिकली हमें इस पिक्टोरियल मतलब ये जो चार्ट है, इट्स नॉट दी पिक्टोरियल बट फिर भी ये जो चार्ट है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस पे हमें इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करना होगा। SF500 जो है वो किसके साथ डील करता है, SF500 हमें बताता है अबाउट द ऑडिट एविडेंस। व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे, दिस एसे का स्कोप क्या होगा, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ऐसे जो है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब वो डिजाइन करेगा परफॉर्म करेगा। ये ऐसे जो है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो डिजाइन करता है परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर को ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ताकि वो ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू द बेस ऑडिटर ओपिनियन जो है बेस जिस पर बेस है। ये ऐसे एप्लीकेबल है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस पे जो भी ऑब्टेन हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। ये जो ऐसे है वो किस पे एप्लीकेबल है, ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल है सारे के सारे, दिस ऐसे इज एप्लीकेबल है टू ऑल द ऑडिट एविडेंस सारे के सारे ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। तो ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइन करने में परफॉर्म करने में प्रोसीजर को ताकि हम ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि हम एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन दे पाए ऑन विच टू द बेस ऑडिटर्स ओपिनियन जिस पे बेस्ड है। उसके बाद ये जो ऐसे है वो एप्लीकेबल है सारे के सारे ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमें डिजाइन करना है परफॉर्म करना है, हमें डिजाइन करना है परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर इस तरीके से इन अ वे एज टू एनेबल द ऑडिटर की हम ऑब्टेन कर पाए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ताकि हम रीजनेबल कंक्लूजन दे पाए ऑन विच टू दी बेस ऑडिटर्स ओपिनियन। हम क्या कर पाए, हम डिजाइन कर पाए परफॉर्म कर पाए ऑडिट प्रोसीजर्स को, हम डिजाइन कर पाए परफॉर्म कर पाए ऑडिट प्रोसीजर को इन सच अ वे इस तरीके से ताकि हम एनेबल कर पाए द ऑडिटर को कि हम ऑब्टेन कर रहे हैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच द बेस ऑडिटर्स ओपिनियन जिस पे बेसिस है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, व्हाट आर दी कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम यूज करते हैं एज ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा कौन सी ऐसी रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। जब भी इंफॉर्मेशन जो होगी फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज की जाएगी तो ऑडिटर इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा कंपिटेंसी को, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। व्हेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, जब कभी भी आप इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एंटिटी के द्वारा, तो ऑडिटर जो है वैल्यूएट करेगा रिलायबिलिटी को, कंप्लीटनेस को एंड एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन को। जो भी ऑडिट एविडेंस है टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस्ड जो ऑडिटर ओपिनियन ऑब्टेन की जाती है, हम परफॉर्म करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विच इज कम्प्राइजिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। उसके बाद जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कौन से ऐसा मॉडिफिकेशन है या फिर एडिशन है ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी है ताकि हम रिजोल्व कर पाए मैटर और कंसिडर कर पाए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। उसके बाद हमारा आता है अबाउट द थिंग दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ टी के होम प्राइवेट लिमिटेड, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एक्सपर्ट हाउस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट्स अंडर द ब्रांड ऑफ टी के।
सीए तृप्ति हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ टीके होम प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हम क्या बोलते हैं दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ टीके होम प्राइवेट लिमिटेड अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस जो कि एंगेज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट ब्रांड नेम ऑफ टीके, सीए तृप्ति इज वेरीफाई करी एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2022-23. She has verified the transaction entered in export sales account maintained in accounting software from relevant export invoices. So export sales say that the same are being made on a payment of IGST for which a refund is automatically credited in the accounts of the company after the goods are shipped. On inquiry from internal auditor staff regarding the recognition of export revenue, she is told that export sales are recognized for the year on the basis of bill of lading. However, she is not convinced with such a response and feels that the same does not appear to be proper. She finds three export invoice varying dates in a month of March 2023 having a value of 75 lakh have not been recognized in export revenue on the ground that bill of lading for these invoices were issued in the month of April 2023. Discuss from what sources she can obtain reliable audit evidence in this regard, how she can challenge the management assertion regarding the completeness of export revenue for the year this. So after this, we will discuss the next one.